साथियों ध्यान से सुनिए, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, अगर आप उसे अपने वश में करना चाहते हैं, उसे अपने लिए नर्म करना चाहते हैं, उसके दिल से अपने लिए नफरत, गुस्सा, नाराज़गी, गलतफहमी निकालना चाहते हैं और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो में मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये बहुत आसान है लेकिन बड़ा ही आजमूदा और मुजर्रब अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है। यकीनन इस अमल की ज़रूरत कहीं कहीं पे ऐसी पड़ती है जैसे प्यासे को पानी। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। साथियों, जहाँ पर हमें ज़िंदगी बसर करने के लिए दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, समाज की ज़रूरत पड़ती है, वहीं पर दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की ज़रूरत पड़ती है कहीं कहीं पे, और किसी को अपने लिए नर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को अपने वश में करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मौक़ों पर ऐसे अमलियात बड़े काम के साबित होते हैं और बहुत बड़ा फ़ायदा हमें दे जाते हैं। तो साथियों, जैसे आप किसी रिश्तेदार को या जिनका भी मैंने जिक्र किया, किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं, अपने लिए नर्म करना चाहते हैं, या आपके लिए उसके दिल में नफरत, नाराज़गी, गुस्सा, गलतफहमी बैठ गई है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं और मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस अमल को करने की इजाज़त है, आम इजाज़त है, कोई भी इस अमल को कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप उसके साथ वफादार रहें, आपकी नीयत सही होनी चाहिए, उसे किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने का आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, आपका जो काम है वो जायज होना चाहिए, आपका जो मकसद है वो नेक होना चाहिए। इस मकसद के तहत, इस नीयत के साथ आप इस अमल को करेंगे तो बड़ा ही आजमूदा मुजर्रब अमल है। अल्लाह की फजल व करम से हैरत अंगेज तौर पर आप क्या देखेंगे कि उसके दिल से नफरत, नाराज़गी, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, मोहब्बत में बदल जाएगा, वो आपके लिए नर्म हो जाएगा और देखते ही देखते वो आपके वश में हो जाएगा। तो इस अमल को आप शुरू की तारीखों में, यानी चढ़ते हुए महीने में, जब कभी चांद दिखाई पड़े, तो चांद दिखने के बाद आप इस अमल को 15 तारीख के पहले पहले, चांद की 15 तारीख के पहले पहले इस अमल को शुरू कर सकते हैं। तरीका इसका यह है कि बाद नमाज फजर अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ा जाए और सिर्फ 111 मरतबा, 111 टाइम्स आपने इस दुआ को पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सखरली हाजल बलदी व रिजाली, अल्लाहुम्मा सखरली हाजल बलदी व रिजाली। इस दुआ को आपने सिर्फ 111 बार पढ़ना है, और जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, अपने लिए नर्म करना चाहते हैं, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, नफरत, नाराज़गी ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी मजबूती से कल्पना करना है, तस्वूर करना है। पढ़ते हुए जब आप पढ़ रहे हैं तो ये कल्पना मजबूत होनी चाहिए कि वो आपके सामने ही बैठा है, बिया बैठी है। जब आप 111 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक के पढ़ लें तो उसके सीने पर दम कर दें, कल्पना में ही, तसव्वुर में ही दम कर दें उसके सीने पर, और इस अमल को जारी रखें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसमें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिनों की कैद नहीं है। आपका जैसा पढ़ना हुआ, जैसी आपकी दिल लगी हुई इस अमल से, और जैसा आपका विश्वास हुआ, जैसी आपकी परहेजगारी हुई, जैसे आप ममनूआत शरीयत से बच रहे हैं, उसी तरह से असर पैदा होगा और बहुत ही जल्द वो दिन आएगा कि आप अपनी आँखों से अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखेंगे, कि वो आपके
हैरत अंगेज तौर पर वो आपके वश में हो जाएगा, आपके लिए नर्म हो जाएगा और उसके दिल से नफरत नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो अमल मैंने आपको बता दिया, और ये अमल कहाँ कहाँ पे फ़ायदा करता है मैं आपको बता दूँ। जैसे कोई रिश्तेदार है गलतफहमी का, नाराज़गी का, नाइतफाक का शिकार हो गया, आपसे उसने रिश्ता तोड़ लिया, तो अब उस रिश्ते को जोड़ने के लिए ये अमल काम करता है। कोई दोस्त है नफ़रत नाराज़गी गलतफहमी का शिकार हो गया, तो उसे फिर से अपनी दोस्ती में लाने के लिए, फिर से अपने दोस्ताने को मजबूत करने के लिए, नफ़रत की दीवार को गिराने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए ये अमल काम करता है। और कोई दुकानदार है, वो उससे आपका काम चल रहा है, महीने के आखिर में आपके हाथ तंग हो जाते हैं, आप महीने भर उससे काम निकालते हैं, किसी वजह से वो नाराज़ हो गया है, तो उसे फिर से पटाने के लिए और अपना काम निकालने के लिए ये अमल काम आता है। शर्त यह है कि आप सभी के साथ वफादार रहें, आपका मकसद, आपकी नीयत नेक होनी चाहिए। और अगर कोई पड़ोसी है वो आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है, मिसकॉट कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपकी बुराई कर रहा है, तो उसे दोस्त बनाने के लिए, उसे अपने लिए नर्म करने के लिए ये अमल बड़े काम का है साथियों। कोई दुश्मन है वो आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, झूठ फैला रहा है, लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत पैदा कर रहा है, तो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसे अपने लिए नर्म करने के लिए, उसकी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए ये अमल बड़े काम का है साथियों। आप खुद समझदार हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है और काफ़ी बातों पर मैंने रोशनी डाल दिया है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे किसी भी काम की ज़रूरत है तो फ़र्जी आमिलों बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें, दिल से बताए हुए तरीके से अल्लाह तबारक व ताला के ज़ात मुकद्दसा पर यकीन कामिल करके आप इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप खुद देखेंगे कि अमलियात कैसे काम करते हैं। और काफ़ी लोगों का यह मानना है कि मैं तो कर नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है, आप भी अल्लाह के बंदे हैं, सभी अल्लाह के बंदे हैं। कोई भी अगर दिल से रब तबारक व ताला को पुकारेगा तो अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर सुनता है। उदऊनी अस्तजीब लकुम, अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजीब लकुम, ऐ बंदे तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, या कि तू मुझसे दुआ कर, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आपका प्यारा सा नाम लिख दीजिए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके लिए दुआए ख़ास किया जाएगा, आपको दुआए ख़ास में शामिल किया जाएगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपान उसके अमल नक्श के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।